हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है साजिद और मेरा नाम है शिल्पा। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि मेरी नानी आई हुई है गांव से और मैंने और शिल्पा ने प्लान किया है कि आज हम कुछ फन करने वाले हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और कुछ क्वेश्चंस शिल्पा ने भी प्रिपेयर किए हैं, तो हम उनको बिठा के कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो आज पता नहीं क्या क्या राज खुलेंगे, शिल्पा क्या पूछेगी उनसे और इसको नहीं पता मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो नानी को कुछ नहीं पता इस बारे में, अभी वो मम्मी पापा के साथ है ऊपर, तो उनको हम नीचे बुलाएंगे एंड शी विल सिट विद अस और फिर हम उनसे सवाल पूछने शुरू करेंगे। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है, बिकॉज मेरे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। वो अच्छे मेरे भी हैं, सो लेट्स सी। तो नानी को बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं। नानी आ चुकी है, ये देखो नानी आ गई है, नानी बैठेगी हमारे साथ और नानी से हम कुछ करने वाले हैं बात। आओ आओ आओ, बैठो बैठो इधर, बीच में बीच में बैठो, बीच में। आज तुम्हारा इंटरव्यू होगा बहुत तगड़ा वाला। चलो चलो करो। चलो चलो। तो अम्मा को बीच में बैठा, एक तरफ मैं बैठा। अम्मा उधर जाओ बीच में। भैया बता दिए जैसे कहवानी हो। नहीं कहना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहलवाना, जो तुम्हें अपनी अपनी मर्जी से जवाब देने, सच्चे दिल से सारे के सारे। तो जब दंगे, जब हमें पता हो कि जवाब देना चाहिए। तो गाइज, मैं ये मेरी नानी है फाइनली, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन का आपको एग्जांपल भी दिख रहा होगा इधर। सच्चा जवाब था ये। चलो चलो भाई, सच्चा है ना। सच्चा चलो चलो। तो मैं अगला सब, मैं अपना आप सवाल पूछता हूँ, ठीक है? तो आजकल क्या है, आजकल के जमाने में तुम देखो इतने सारे में तलाक वलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और तुम्हारे टाइम में पुराने में कोई तलाक वलाक होते नहीं, तो क्या वजह है उस टाइम और अब में, क्या क्या अंतर आ गया ऐसा जो इतने तलाक हो रहा है आजकल? अब मैं पहले में बहुत अंतर है, अब हिसाब दूसरा चल रहा, बदला हुआ परिवर्तन है पहले से। तो क्या अंतर क्या आ गया ऐसा? तो अंतर तो होगा ही, जब आपके दिमाग अच्छे हैं, पहले दिमाग नहीं है इतने अच्छे। अच्छा हाँ, तो अच्छों में ज्यादा हो रहा है ये काम। अच्छा, तो मतलब अगर पहले जमाने में लोगों के दिमाग अगर अच्छे होते तो वो भी तलाक ज्यादा करते। तो इसका मतलब पहले पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ज्यादा नहीं थी इतनी, नहीं। अच्छा, इतनी नहीं थी जितनी अब। तो मतलब अगर कोई इंसान किसी के साथ खुश नहीं है तो उसे अलग हो जाना चाहिए, ना कि दबके रहना चाहिए किसी लड़की को। अगर लड़की अपने हिसाब की नहीं है तो उससे अलग हो जाना चाहिए, और लड़का अपने हिसाब का नहीं है तो फिर अलग ही अलग रहना ठीक, उसमें ही बेहतरी है और कुछ नहीं। मतलब अगर खुशी ना हो तो अलग अलग रहना, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, यही ना। जिंदगी खराब करनी है एक जगह रह कर, ठीक है। चलो अम्मा, मेरा अगला सवाल है कि अम्मी के तीन बच्चे हैं, साजिद, फरा और शदा, तो तीनों में से आपका फेवरेट कौन है, सबसे आपको पसंद कौन है? पसंद तो देखो तीनों ही, एक चूज करना है। ज्यादा प्यार तो मेरा फरा पे ही है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी एक बात लड़की है। तो दिल्ली घुमाने ले जाऊंगा, टेंशन मत। तो मेरा अगला सवाल है आपसे ये, मतलब जैसे आजकल है जो लड़के लड़कियां, तुम बताइए, जैसे मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ, है ना, तो प्यार करने का इजहार करने का ना तरीका होता है, उस जमाने का भी था आज का भी था। तो हम तो जैसे प्यार करते तो बोल देते आई लव यू, तुम्हारे टाइम में कैसे मतलब इजहार करते थे प्यार का? जब तो ऐसे ही पता चल जाए, कुछ भी ना करो। मतलब जैसे अरे अभी तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, अगर ये नाराज हो जाती है तो इसे आई लव यू कह के मनाना पड़ता। तो उस टाइम जैसे मान ले नाना नाराज हो गए तो फिर कैसे कैसे मनाते थे? तो मना तो ले रही है। कैसे? उनका फेवरेट खाना बनाती थी या हाथ बनाती थी, क्या करती थी? नहीं, बस खाना बनाया और कब तो खुशी से बोल लिए, राजी हो गए और क्या, बस खाना बना के राजी हो जाते थे और खाना अच्छा खिला दिया, राजी हो गए बोल चाल में। कभी कभी आई लव यू बोला नाना को? नहीं, एक बार नहीं। अरे उन्होंने वो तो बोल दे। मतलब नाना ज्यादा रोमांटिक थे, वो तो बोल दे रहे थे। अच्छा बोले गए थे, बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी। चलो अम्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं जैसी हूँ, ठीक है, ठीक है, साजिद मेरे को लेके आए जैसे इस घर में, तो आपको ऐसी बहू चाहिए थी
या आगे के लिए, या ऐसी बहू अच्छी है ज्यादा, मैं काम भी करती हूँ और घर पे थोड़ा कम रहती हूँ, बाकी सारे काम भी करती हूँ, और या फिर वैसी चाहिए थी बिल्कुल गांव की देसी लड़की जो घर पे खाना बनाती और आपके साथ रहती पूरे टाइम, कैसी वाली ज्यादा? नहीं नहीं, हमें ऐसी वो अच्छी लगती है जैसे आप, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए आगे को भी, हमें ऐसी चाहिए वो आगे की, सबके लिए ऐसी चाहिए, तो सबके लिए मैं ढूंढ दूं? तुम्हें ढूंढ दो, हमें ऐसी चाहिए वो, हम ऐसी बहू से खुश हैं। तो मतलब आपको ऐसे हाथ पैर दबाना या खाना बना के खिलाने वाली बहू से ज्यादा बेटर ऐसी बहू है? ऐसी बहू चाहिए जो हमसे प्यार से बोले, बोल जाए। तो इंसान को ज्यादा क्या पसंद है, मतलब आप बड़े हो तो आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है, ऐसा इंसान जो आपसे प्यार करे, प्यार से बात करे, या ऐसा इंसान हो कि बस खाना बना के दे दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है? इज्जत से बोला, इज्जत करे हमारी, हमें वो बहुत अच्छी लगती है बस। अच्छा, खाना एक दफा को वो ना भी देगी तो हम लेकर भी खा लेंगे। अच्छा, खुद बना के खा लेंगे। चलो चलो ठीक है। तो मेरा एक अगला सवाल ये है कि अब तो खैर इतना इन चीज़ों का ज़माना नहीं बचा, लोग बहुत आगे उठ गए, उस ज़माने में बड़ा रंग वंग को लेकर ना बड़ी वो थी, दिक्कतें थी, काले को काला, गोरे को गोरा बोलना। तो मैंने देखा था कि नाना बड़े गोरे थे तुम्हारे मुकाबले, बात सही है? तो कभी तुम्हारे कलर के बारे में कभी बात करी उन्होंने कॉम्प्लेक्शन में, कभी कुछ बोला हो याद हो? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, दिमाग में ही नहीं लगे काली। अच्छा, जब दिमाग दिमाग आपस में मिल गए तो उन्हें रंग से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, हमारे नाना आज और इज्जत बढ़ गई उनकी नहीं, हमसे कभी नहीं। तो तुम्हारा क्या सवाल है? चलो ठीक है अम्मा, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जो मेरा बेटा है साहिल, अभी 1.5 साल का है, आपने देखा है, और साजिद को भी बचपन में देखा है, तो ज्यादा सुंदर कौन है, ज्यादा गुड लुकिंग कौन है, साहिर या ये छोटे में ज्यादा गुड लुकिंग थे? ज्यादा खूबसूरत है, यही लगा ये मेरा बेटा ज्यादा सुंदर नहीं है? है, बहुत सुंदर है। तो ये ज्यादा, पर उस वक्त हमारा यही ज्यादा सुंदर, हमारे पहले वाले परिवार में ये सुंदर है सबसे। क्या बात है साजिद। तो अभी तो मेरा एक अगला सवाल ये है कि नानी, कोई ऐसी ऐसी बहुत ही रोमांटिक सी, और हिंदी में क्या बोलेंगे रोमांटिक को, प्यार भरी ऐसी कोई याद जो नाना से जुड़ी हुई हो और कभी दिमाग से नहीं निकलती हो, कोई ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा इंसिडेंट जो सबसे आज तक दिल में बसा पड़ा है? उनकी अच्छाई तो बिल्कुल भी ना निकल ले दिल से, आज तक भी ना निकलेगी। अच्छा, जितना उनका प्यार था, जो अच्छाई थी, वो नहीं निकलेगी मरते मरते। तो सबसे ऐसी कौन सी चीज वो करते थे जो तुम्हें लगता है कि कोई आज भी नहीं करता होगा, या तुम्हें बहुत याद आती है उस चीज की? मैं गुस्सा भी हो जावा थी तो मैं कभी ना मनाया, वो मुझे खुद राजी करे। गलती किसी की भी होती थी, मनाते वो थे, मनाते वो थे। ऐसी चीज इनको क्यों नहीं सिखाते हो? अब हमारे में क्या होता है कि जब भी हम दोनों गुस्सा हो जाते हैं, मनाना मुझे पड़ता है, ये नहीं मनाते, हमें खुद मना रहे। तो सिखाओ आप ये बात साजिद को। उसे सिखाऊंगा, सिखाऊंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अम्मा, आपके जमाने में तो सब अरेंज मैरिज होती थी, आपने लड़का ढूंढा अपनी बेटी के लिए और शादी कर ली, तो और हमने करी है लव मैरिज। तो आपके हिसाब से लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है या अरेंज मैरिज जो माँ बाप ढूंढ के देते हैं? लव मैरिज तो पर कल्लो बुरी नहीं है, एक माँ बाप भी खुश होना चाहिए उससे, मतलब कि राजी होना चाहिए, मतलब अगर लव मैरिज कोई कर रहा है तो माँ बाप की राजी, माँ बाप की भी राजी लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, इस बात से मैं भी पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। तो मैंने तो राजी लेके करी थी ना सबकी, तो हमें ये बुरा नहीं लगता अगर लव मैरिज क्यों करी, करो, बहुत अच्छा है, आपस में मेल से काम हो रहा है। तो पर मम्मी पापा से पूछना चाहिए उनको पहले, उन्हें भी राजी करना चाहिए, माँ बाप को नाराज करना शादी के बारे में बहुत गलत बात है। ठीक है, अब अम्मा जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अब हमें शदाब या आदिल की शादी करनी है, दोनों बड़े हो गए हैं, तो अब दोनों की गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो दोनों के लिए लड़की ढूंढनी है, तो आप जो लड़की ढूंढोगे वो लड़की ऐसी ढूंढोगे कि बिल्कुल टिपिकल जैसे पुराने जमाने में गाँव की लड़कियां होती थी प्रॉपर, या फिर मेरे जैसी कोई लड़की ढूंढोगे जो काम भी करे, घर का भी देखे और ओवरऑल चीजें होंगी? ऐसे ढूंढनी चाहिए, समझदार, उसका क्या करेंगे जो पहले जैसे। अच्छा, तो इस जमाने की बहू, इस जमाने की चाहिए,
ठीक है, जो एकदम जमाने की चाहिए, पुराने जमाने की नहीं चाहिए। नहीं, जमाने गया वो जमाना। अम्मा बहुत अपडेट हो गई है, इसका मतलब पता है तुम्हें? अम्मा मैं iOS 16 डल चुका हूँ। इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, तो तुम्हारे टाइम में ऐसा क्या करते थे टाइम पास करने के लिए? हमारे में कुछ भी ना करे, वैसे थोड़ी देर थाली बैठे, बतला है, खत्म करा काम। पूरा दिन ऐसे? पूरा दिन टाइम ही ना मिला। क्या करते थे ऐसे पूरे दिन? पूरे दिन वही किसानी के काम है, कोई जो मास्टर है जो सरकारी है वो बाहर चले जाए, और तो अपने घर के काम में लगी रहे, बात खत्म। आपको खेती करना ज्यादा पसंद था या भैंसों का काम करना? ना, हम तो दोनों ही काम करे। अच्छा ज्यादा क्या लगता था भाई? अच्छा तो देखो भैंसों का ही लगाया, अपने घर में दूध दूध निकालते रहे, वो ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, ज्यादा अच्छा लगाया। तो तुम अभी, मैं मुझे याद है कि जो तुम्हारी लास्ट भैंस बिकी थी वो 4-5 साल पहले मामू ने बेची थी, ठीक है, क्योंकि चाहते थे, अब तुम एज हो गई है तो जो है भैंस में सब नहीं पालनी है ना। तो कितना दुख हुआ था जब तुम्हारी आखिरी भैंस गई थी? तेरा दुख हुआ? अच्छा। बहुत दुख हुआ, पर मजबूरी हमारी, हम पर नहीं होता तो नहीं पालते। अब अगर अभी एक भैंस दी जाए और एक नौकर दिया जाए पालने के लिए, तो अभी तैयार हो? मैं आपको भैंस गिफ्ट करूं? अब नहीं, अब नहीं पालनी भैंस, अब नहीं पालनी। अब तो दूध खरीद के पी सकते हैं बाहर से? तो ना मिले तो भी बीत जाएगी, हम भैंस तो हमें जब भी पाल लेना। अच्छा, रखनी ना। चलो बहुत अच्छी चीज है। एक और आखिरी सवाल है मेरा, मेरा भी लास्ट है, चलो एक तुम ठीक है, पहले मैं पूछता हूँ आखिरी सवाल। तो जैसे तुम्हारी शादी हुई थी नाना के साथ, ठीक है, तो ये शादी का प्रस्ताव लेके कौन आया था और तुमको नाना को कब दिखाया गया था और ये शादी कैसे कैसे हुई, ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मुझे भी नहीं पता। हमने तो नाना को शादी के बाद में देखा। नहीं तो कराई किसने थी शादी, कौन लेके आया, क्या था हिसाब किताब? वो वहाँ के बिचौल और थे, कोई जाट था हमारे गांव के, जाट ने, उसने बताया था घर, वहीं से हो गया मामला। अच्छा, तो आपने शादी के बाद देखा था नाना को? शादी के बाद, निकाह के बाद। हाँ, पहले शक्ल तो जो 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 तुम्हारे फादर थे उनकी जो है वालिद साहब तुम्हारे, उनका क्या क्या था कि भाई मैं अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि उन हमारे तुम्हारी दो ही बहनें थी, कोई भाई नहीं था, तो वो क्या देखते थे कि भाई ऐसा लड़का चाहिए, उनका क्या थे वो चीजें देखने वाली कि भाई ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए? उन्हें ये था कि हमें लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, सर्विस मैन होना चाहिए। अच्छा, मेरी बेटियों के लिए। अच्छा, वो तो खुद सांग खेले कर रहे थे। अच्छा, तो ऑर्केस्ट्रा था उनका। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने अपनी बेटियों को मास्टर ही ढूंढे। अच्छा, सरकारी ढूंढे, दोनों को कोई सा ढूंढा ही ना ऐसा। तो उनकी ये भी कोई शर्त थी कि जो जो मेरी बेटी को शादी करेगा उसको मेरे पास ही रहना पड़ेगा आके? हाँ, कैसे करे थे। अच्छा, ये शर्त थी उनकी कि घर जमाई चाहिए? हाँ, मुझे गरीब चाहिए, माल मुझ पे बहुत है। अच्छा, और घर जमाई चाहिए? हाँ, घर जमाई चाहिए और पढ़ा लिखा चाहिए, मुझे मेरे पास चाहिए और मेरा समझदार पढ़ा लिखा चाहिए। तो देख रहे हो, हाँ, मतलब हमारे नाना और जो दूसरी बेटी नानी की सिस्टर की शादी हुई थी, तो इनके फादर को घर जमाई चाहिए थे और उन्होंने घर जमाई ढूंढे, ठीक है, माल की कमी नहीं थी उनके पास। तो चल अब मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ। चलो अम्मा, अब आखिरी सवाल। हाँ। आप साजिद से ज्यादा प्यार करती हो या मेरे से? इसका जवाब एक ही जने का होना चाहिए, या साजिद या शिल्पा, एक जने से, कोई प्रेशर नहीं है। देखो प्यार तो मैं ज्यादा तुझसे करूँ, वैसा तो ये मेरा है, प्यार। देखो नानी ने यहाँ बहुत 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 बड़े दिल की का एग्जांपल दिया है कि ठीक है, मैं तो उनका अपना हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो शिल्पा को ये अपने वाली बात नहीं है, तुम बात डालने की कोशिश मत करो, ये दिल से है, दिल से है, दिल से है भाई। तो ऐसा क्या अच्छा लग गया तुमको? जो भी लगा मुझे अच्छा, मुझे पहले से ही, जब से शुरू में तो ऐसा लगा कि हम भी नाराज रह रहे थे, कई काम सही ना है। अच्छा। कि जो हो ही ना हमारे जमाने में इतना, और जब हमने बर्त लिया, देख लिया, तो फिर हमें शिल्पा की व्यवहार अच्छा लगा। अच्छा, बस हम उस बात से बहुत। तो इन शॉर्ट, अम्मा मुझसे ज्यादा प्यार, हम ज्यादा खुश हैं। अच्छा, अब भी आने पर भी मैंने ये कह दिया, मुझे शिल्पा का विश्वास है, ले जाओ, जब मैं शिल्पा से कहूँ मुझे पहुँचवा देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नानी यहाँ आती है, सबसे बड़ा नानी को खतरा क्या रहता है कि यहाँ आने में उनको हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो बोले मुझे वापस जाना है तो उनको वापस छोड़ना पड़ेगा, उससे एक घंटा भी डिले नहीं हो सकता ना, ऐसा कुछ ना। ये शिल्पा मेक श्योर करती है कि जो है नानी को जब वापस जाना है तो कोई ना कोई छोड़ के आ जाए। तो नानी एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र कितनी है? कम
कम से कम 75 साल। 75 साल आजकल जो है आदमी ज्यादा जी नहीं रहा, बड़ी जल्दी निकल लेता है, टाइम से पहले निकल जाता है। तो क्या क्या अंतर आ गया ऐसा उस जमाने में और आज के जमाने में? कोई टिप्स नई ऑडियंस को, नई जनरेशन को जो देना चाहो कि भाई ऐसा करोगे तो लंबा जियोगे? पहले जमाने का खान पीन और था। अच्छा, अब कैसा? तो वो बड़े बूढ़े हस्त पुस्त रह करते तो अच्छे तरीके से जिए करते हो। अच्छा, अब वो खान पीन नहीं है। अच्छा, तो अब के मैं कमजोरी शुरू से ही हो जा जल्दी। अच्छा, और उसमें इसमें जो जो कसरत और बाहर दौड़ के काम? हाँ, वो मेहनत हुई ही पहलों की। अच्छा, तो मेहनत से भी निरोग रह करे थे। तो भैया ज्यादा जीना है तो अच्छा खाना पीना शुरू करो, नानी की अच्छा खाओ और मेहनत से कमाओ। ठीक है, तो गाइस ये था आज का व्लॉग, नानी से आप मिल लिए हमारी। नानी ऐसे करो। हाँ, एक और एक और एक और एक आखिरी सवाल नानी, कुछ याद है कि जो है हम हमारी जो है, मैं अब देखता हूँ हमारी जो भाषा है उसमें हरियाणा का भी टच आता है, ठीक है, पंजाबी का भी टच आता है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा जो गुजर वाली लैंग्वेज होती है उसका भी टच है। तो इसकी क्या वजह है? हम पीछे से कहीं हरियाणा से आए थे या पंजाब से, कुछ याद हो ऐसा पुराना, या क्या था मामला? आए हुए तो पीछे गए थे पर सुन्नी मुसलमान ऐसे थे इधर, हाँ, कि उनकी भाषा दूसरी थी एकदम ही, वो बस अलग है थोड़ा, हाँ, सा बाकी बाकी के चीजों से जहाँ यूपी, हाँ, अमरोहा मुरादाबाद के आसपास, हाँ, के लोग ये है अपने, तो ये कुछ नहीं पता कि कहाँ से है, हिंदुस्तान की वो है, ये पता नहीं आए कहाँ से। अच्छा, इसका तो मैं भी कुछ पता इसका नहीं, हाँ, कुछ पता नहीं। तो ये हरियाणा और पंजाबी और ये गुजर वाली, ये कैसे लैंग्वेज में बोलचाल में आई है? ये सब मिक्स हो गए ना यहाँ के। अच्छा, सब एक साथ रहते, एक साथ रहने लगे, सब एक साथ हो गए ना बाहर के आके सब, तो मिक्स होकर बोलेंगे। तुम हमारी सीख रहे हो, तुम हमारी सीख रहे हो, हम तुम साथ ही गुजरी बोलनी। तो इसमें बोलो कि चलो भैया आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में, ऐसे गुजरी बोल के दिखाओ। गुजरी बोल दो कि चलो भैया, गुजरी है कि भैया मोको कोई पता नहीं, बोली तो सब बोल। कोई पता नहीं और सब जानते हैं, हमारे यहाँ की बोली ऐसी है तो हमारे कबस की है। So guys, thank you so much for being with us for this vlog. And if you like the video, please like, share and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much. Bye bye. Tar maar do.